सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्लैश ऑफ ट्राई के नए वीडियो में। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं रैंडम टीममेट्स के साथ। भाई जो रैंडम टीममेट्स होते हैं ना भाई, बहुत खतरनाक लेवल के प्लेयर होते हैं। और भाई इनकी तारीफ तो नहीं करना चाहता, भाई मैं इंट्रो जो है थोड़ा लेट कर दिया हूँ क्योंकि भाई मेरे पास जो है रिकॉर्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कैसे ऊपर से ड्रॉप आ रहा है और इस बंदे ने मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया। आज फटाफट से ड्रॉप ले लेता हूँ। और ओ भाई देख रहे हो, ड्रॉप लूटने के लिए भाई तीन बंदे देख रहे हो, अपनी टीममेट भाई पूरी ड्रॉप लूटने के लिए आ चुकी थी। और भाई यहाँ पे फाइट हो गई है पहले, अब साले किसको या भाई इसको छोड़ो, इसको दो लोग डाउन हो गया अभी। भाई बताओ सामने बंदे भाग रहे, की एबिलिटी तो मैंने यूज़ कर लिया, इसको पहले लेता हूँ। यह एक फटका गया, ये भी बचा एक और, भाई ये भी गया, खत्म है भाई। भाई पहले राउंड में ही बिना घर के दो किल निकाल ले, इससे बढ़िया बात और क्या ही हो सकती है बताओ गाइस मेरे को। मैं इसीलिए बोलता हूँ गाइस, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना कि भाई तुम लोग पहले राउंड में गन लो ही मत, क्योंकि भाई जो वहाँ पे ना 50-50 चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका वो स्किल वहाँ पे भाई स्किल भी होता है, लेकिन उसके लिए भाई हाई लेवल का स्किल होना चाहिए। और ये भाई मेरे को लगा गिर जाएगा नीचे, और भाई बंदे तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, कोई भी बंदा नहीं भाई, सब कवर लेके खेल रहे भाई, बहुत खतरनाक बंदे। भाई सामने पा रहा है साला, क्या ये मैं भाई इसके लिए तो मेरे को ऑस्कॉर्ड मिले, ऑस्कॉर्ड क्या नाम है उस अवार्ड का, ऑस्फोर्ड फोर्ड फोर्ड क्या पता नहीं क्या नाम है, जो भी है अवार्ड मेरे को मिलना चाहिए सबसे बेकार निशाने का। और अपना बोलते बोलते एक टीमर ठिल गया, अरे भाई दो भी दोनों ठिल गए भाई, बताओ दो टीममेट अपने यहाँ पे ठिल चुके हैं, वाह क्या बात है। और अपन दो ही बचे हैं, और मेरे पीछे बंदा है क्या भाई, व्हाट्सएप से आ रहा है, पता नहीं कहाँ है वो, व्हाट्सएप से आ रहा है मेरे को, लेकिन बंदा पता नहीं मेरे घर के नीचे है शायद से, और मेरे को दिख भी नहीं रहा है भाई, व्हाट्सएप से आ रहा है मेरे, लेफ्ट राइट करके आ, ओ सामने बंदा आ रहा है, ये रहा चचा किधर घूम रहे ना सारा पीछे घर। भाई ये बंदे कैसे नमूने है भाई, जोन में कैसे पहुंच गया वहां पे वो, बचा भाई बचा रहा क्या, थैंक यू भाई, बचा ले। वो भाई बट टीममेट तो बहुत बढ़िया मिलेगा इस, आ बंदा आ गया शायद से, मार दे भाई, बढ़िया खेल रहा है भाई, मार दिया क्या भाई, क्या भाई बंदा खतरनाक खेल रहा है शायद। भाई बचा ले मेरे को, इधर ही पड़ा हूँ मैं, आजा प्लीज सेव मी, अरे बचा ले चचा क्या कर रहा है भाई, अरे बचा ले भाई, मेडिकेट मार रहा है मेरे को, बचा ले इधर, अरे साले घुस गया वहां पे अंदर, खिल गया भाई, एक वॉल और लगा लेता मैं भी बच जाता साला यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं बंदा अच्छा खेल रहा था। देखो तुम लोग को मैं पहले ही बता रहा, अगर मेरा स्नाइपर का शॉट मिस होता है तो मेरे को कमेंट्स में नूब मत लिखना, क्योंकि मैं अभी स्नाइपर चलाना सीख रहा है ना, तो ये स्नाइपर चल रहा है क्या, टट्टी स्नाइपर चला रहा है, ऐसा मत लिख देना भाई, बेइज्जती मत कर देना, सामने बंदा नहीं दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे बंदा ये सीधा, अरे भाई बॉडी कैसे लग गई भाई, हेड पे मारा था मैंने तो, और एक बंदा भाग रहा है, ये डेढ़ सौ पड़ा, वो टायर के नीचे पैर दिख रहा है पीछे, ये है बड़े भाई कैसे बैठा है देख रहे हो उसको, ये खत्म भी कर देंगे उसको भाई, उसको लग रहा है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भाई जो स्नाइपर होती है ना भाई बहुत खतरनाक होती है। और यहाँ पर भी बंदे वो जा रहा है गाइस, इनको ना यहाँ से मारना पड़ेगा गाइस, और अपना टीममेट भी डाउन है, और ओ भाई खेड़ पड़ा, बस रिवाइव ना कर दे कोई इसको, बाकी नीचे भी टीम है, ओ भाई दो बंदे, एक बंदा बचा है, अरे रिवाइव कर रहा है साले भाई, इतना बढ़िया हेड मारा था मैंने, साला रिवाइव हो गया भाई, हट यार इतना मेहनत का क्या है बोलूं मैं, अरे साले भाई बता रही यार मैं शॉट कहीं और मारता हूँ, गोली कहीं और ही लगती है ये, ओ भाई एक और फटका, अरे डाउन ही हुआ भाई, डाउन कैसे नहीं हुआ भाई, दो फटके पड़े उसको, दूसरे बंदे को मारने के चक्कर में इससे ठिल गया मैं, हाँ बेकार भाई बहुत बेकार खेल रहा हूँ भाई, मेरी जो स्नाइपर मैं स्कोप के साथ ना बहुत घटिया खेलता हूँ भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है भाई मैं विदाउट स्कोप मारता हूँ तो शॉट बिल्कुल कनेक्ट होता है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगता है इस मेरे को, क्योंकि मेरा जो स्नाइपर है ना, अरे ठिल गया वो भी बताओ गाइस, मेरे को लगा 1v2 आराम से मार देगा, लेकिन इनके रैंडम टीममेट्स वालों के भेजे में भेजा नहीं होता है शायद, ऐसा मेरे को लगता है गाइस, चाहे मैं मैच हारूं या जीतूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ना भाई जब तक स्नाइपर से मैं स्नाइपर मेरी परफेक्ट नहीं होती ना तब तक मैं स्नाइपर लेके ही खेलने वाला हूँ। आ जाओ गाइस, अब यहाँ से तो मेरे को बंदे दिखने वाले है नहीं, क्योंकि ये जो रेंज है ना बहुत तगड़ा रेंज है, यहाँ से बंदे भाई दिखते नहीं है, क्योंकि घर में होंगे तो कहा यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे है सारे टकरा दिखा दे एक बार बस, यार देख क्या फ्लिकर करके गया क्या, बस जोन आने वाला, मेरे को जाना पड़ेगा आगे, यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, लेट मी सी, अरे एक बंदा ठिल गया भाई अपना, और उस एनिमी टीम का भी ठेल दिया भाई, बंदे खेल रहे अपने क्या बात है,
लेकिन अपना पहला खिल गया। अरे यहाँ पे डाउन है ये। ओह भाई रिवाइव कर रहा था उसको साला ये। ओह भाई रिवाइव करने से पहले ठोक दिया मैंने। अरे साले ने वॉल लगा ली भाई, पोजीशन पता चल गई उसको। स्नाइपर है, साइलेंसर है अपने पास इनबिल्ट, लेकिन क्या करूँ गाइस, क्या नेट करूँ क्या? नेट तो कनेक्ट हो ही जाएगा, देखते हैं। अगर दोनों के दोनों ठिल गए ना मजा आ जाएगा इस। अरे साले एक को डैमेज है भाई, 175 का डैमेज है, लेकिन अभी मैं रश नहीं कर सकता क्योंकि उसके नीचे ना बंदा बैठा है कवर देने के लिए। इसीलिए ना कभी भी सोच समझ के खेलना चाहिए गाइस, ऐसे अंधों की तरह कभी भी रश नहीं करना चाहिए। जोन पुश करेगा ना तब तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा गाइस उनको। अरे साले क्या कर रहा है, ओ नेट लगा, नेट कर रहा है, नेट कर रहा है। आस ओ भाई दो शॉट मिस कर दिए, तीसरा शॉट मिस, इस बार सीधा खोपड़ी भाई। आराम से बैठा है भाई, बिल्कुल आराम से बैठा है ये एलिफेंट का। एक बंदा बचा है सीधा, ओ मार दिया क्या भाई, बिल्कुल आराम से आगे बैठा है, उसको कुछ पड़ी नहीं है, पीछे कोई बंदा है नहीं, कुछ नहीं, आराम से आगे बैठा है वो। लेकिन भाई तीन शॉट मैंने मिस कर दिया भाई, बताओ। इसीलिए ना मेरे को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्नाइपर से। पता नहीं भाई अपने टीममेट्स को क्या हो गया, देखते देखते दो बंदे निपटा भी दिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर, लास्ट वाले दो बंदे पता नहीं कहाँ पे है, देख भी नहीं रहे भाई। पूरा मैप ढूंढ लिया मैंने लेकिन बंदे ही नहीं मिल रहे मेरे को। ड्रॉप चार्ज कर लूँ क्या, ड्रॉप में कुछ खतरनाक सी गन मिल जाए मेरे को, क्या पता। ओह बंदा 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 बंदा, पोजीशन दिखा दी बंदे ने, आ जाओ सीधा इसका कैरेक्टर का यूज करेंगे। सत्सुया जी ये लीजिए, और क्या है, अरे बिट डाउन में कैसे हो गया, किल तो मिल गया मेरे को। लेकिन आखिरी बंदा कहाँ पे है, ओह वहाँ से मार दिया क्या उसने मेरे को, ओ आ गया आ गया, ये ले फटका, और किसी और ने किल चोरी कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो टीम है ना भाई बहुत बढ़िया खेल रही, देख रो बेट डाउन हुआ ना आते ही रिवाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर दूसरे टीममेट्स के साथ खेलता हूँ ना, मतलब कि जरा रैंडम दूसरे बंदे होते हैं वो तो भाई रिवाइव करती ही नहीं है, लेकिन ये जो टीम है ना बहुत अच्छा खेल रही है मेरे को लग रहा है। और ये जो मेरे को रैंडम टीममेट्स मिले ना, ये पूरा टीम बना के खेल रहे थे शायद से। फटाफट से तत्सुया जी का यूज़ करेंगे, और नीचे से बंदा भाग रहा है, एक फटका पड़ा है और आ रहा है। अबे ये पता नहीं भाई, ये इसको फिक्स करना पड़ेगा, उसको फिर रश कर देता हूँ, एक गोली का बचा है और मेरा तस्वीर रिचार्ज हो गया है। अरे सर किधर भाग रहा है भाई, भाई बच के भागने कुछ कर रहा है, लेकिन बच्चे भागने नहीं दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा इधर ही। अभी दो बंदे बचे गए, नहीं भाई बहुत देख रू का तगड़ा सपोर्ट दे रही है भाई टीम, भाई देख रही हूँ बहुत खतरनाक है लेकिन ये टीम। और लास्ट बंद बचे उसको तो मार ही देंगे लोग, लगता तो है कि भाई ये जो टीम मिली ना मेरे को बहुत तगड़ा खेल रही है, देख रू प्रॉपर कवर दे रही है मेरे को, जहाँ पे डाउन हो रहा है वहाँ पे आके एक रिवाइव दे रही है। अगर ऐसी टीममेट्स मेरे को हर मैच में मिले ना भाई, तो मैं ऐसे ही ग्रैंड मास्टर पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।